हेलो फ्रेंड, नमस्ते नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों को स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज आज एक टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम है, आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं पपिस्ता का खेती कैसे होता है और पपिस्ता का खेती हो जाने के बाद उसमें प्रॉफिट कितना होता है, फ़ायदा कितना होता है। तो आप लोगों को पूरा बात ये शेयर करने वाले हैं और पपिस्ता का खेती दिखाने वाले हैं। तो बन रहिएगा, चाहे पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी अपने घर पे हैं और यहाँ से निकलते हैं, गेट को खोलते हैं और चलते हैं बाहर, गेट से बाहर चलते हैं। तो गाइस आज का नज़ारा कुछ ऐसा है, आज धूप उग गया है, काफ़ी अच्छा धूप उग गया है और घर का गेट से बाहर ऐसा कुछ सीजन है, देख सकते हैं। यहाँ पे अभी निकल चुके हैं घर से और गांव का रोड कुछ ऐसा है और इसे निकल के चलेंगे। तो आप लोग बन रहे हैं चैनल पर, और चांदनी बेटी कैसे भाग रहा है। गाइस घर से निकलने के बाद घर के बगल में मंदिर है, आप लोग तो जानते होंगे, कितना वीडियो में आप लोग देखे हैं। और हम वीडियो बनाते हैं तो चांदनी छोड़ता नहीं है, आगे आगे दौड़ रहा है, देखिए। तो ये हो गया मंदिर का सीन। गांव से अपने घर से निकलने के बाद थोड़ी ही देर के बाद आप लोग मंदिर दिखाई देता है, तो दर्शन कर लेते हैं मंदिर को। यहाँ से देख सकते हैं पूरा रोड खाली खाली है, मंदिर का सीन कुछ ऐसा है। गाइस हम उठ गया, ये चौक में जाने वाला हाईवे देख सकते हैं। आपको ये खेती देखना चाहिए, जो पपीता को खेती आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो काफ़ी उसमें प्रॉफिट है, आप लोग भी कर सकते हैं उस खेती को। और हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीछे देख पा रहे होंगे, जयसीलाल जी। तो कैसे हैं जयसीलाल जी आप? सब ठीक है। और अभी हम लोग घर से खाना खा के जस्ट निकल गए हैं पैदल। तो ये पपीता का जो खेती हुआ है गाइस, तो ये हमारे गांव के बगल में एक श्याम बाबू यादव जी, उनका नाम है, उनका वही खेती किए हैं पपीता का। तो पपिस्ता होता ही कैसे उपजता है और कैसे कैसे उसको उपजाया जाता है, वो तो सब आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो गाइस बन रहिएगा, और हमको हेल्प करने वाले हैं आज, कैमरा करने वाले हैं जयसीलाल जी, सपोर्ट करेंगे आज हमको। तो आज काफ़ी धूप भी है, तो आ गए हैं, थोड़ी देर में आप लोग बन रहिएगा चैनल पर, चैनल को मिस नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आ चुके हैं पपिस्ता के खेत में। तो गाइस आप लोगों को दिखाने वाले यहाँ से पूरा, तो बनेगा चैनल पर, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस पपीता की खेती कैसे होता है, और अंकल जी देख सकते हैं वहाँ पे, आप लोग दिखाइए कैमरे को जयसीलाल जी, वहाँ पे अंकल जी अपने काम कर रहे हैं पपीता की खेती में। तो गाइस उनसे पहले मिलते हैं और पूछते हैं, काफ़ी सारा जानकारी आप लोगों को दिखाने वाले हैं पपीता की खेती में। तो बन रहेगा चैनल पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा। तो आज काफ़ी इंटरटेनमेंट वीडियो होने वाला है, और आप लोगों को ऐसा वीडियो बना कर देंगे कि इससे कुछ आपको बेनिफिट हो और आपको प्रॉफिट हो। तो गाइस धूप बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी से आप पसीना देख पा रहे होंगे, पूरा चेहरा में पसीना हो गया है। तो गाइस अभी खेत में आ चुके हैं पपिस्ता के खेत में, देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पपिस्ता आपको फरा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, दिखा देंगे हमारे जयसीलाल जी, कैमरा को थोड़ा फोकस कीजिए थोड़ा नज़दीक में, और बहुत बड़ा बड़ा। तो अंकल जी यहीं पे हैं, अंकल जी से कुछ बात करना चाहते हैं। तो अंकल जी हमारे साथ जुड़ जाइए थोड़ा यहाँ पे, आपसे आपका खेती है ना पपीता का? अच्छा, कितने दिन से पपीता की खेती कर रहे हैं आप? हम तो मोटा मोटी दूसरा बार लगाए हैं। अच्छा, ये दूसरा बार हो गया? दूसरा बार। तो अभी ये पपीता में जैसे छोटा छोटा होता है, तो पौधा कितने दिन के बाद इसमें पानी डाला जाता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए आप। पानी तो इसके नमी रहना चाहिए, अच्छा। थोड़ा सा ज़्यादा नमी नहीं चाहिए इसके, जितना आवश्यकता है उतना नमी, हल्का हल्का नमी चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए इसमें। जी, थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा हमको लुक थोड़ा मिल जाए अच्छा वाला। और इस पपीता को जब आप सेल करना चाहते हैं, जो बड़ा हो जाता है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा आ गया है इसमें पपीता, देख रहे हैं इसमें पक्का हुआ तो अभी नहीं है, लेकिन ग्रीन आ गया है, पके जाए अब और साइज थोड़ा बड़ा होगा। अच्छा अंकल जी, इस एक झाड़ में कितना पपीता आपका आ जाता है? मोटा मोटी वही मैक्सिमम 40-50 किलो, 60 किलो ऐसे आता है। अच्छा, एक झाड़ से फसल अगर अच्छा हो जाता है ना जी,
ये सब होता है कि क्या है कि पहले से जी जो बिरवा है जी छोटे छोटे हाँ उस टाइम से ही बढ़िया होना चाहिए। अब कैसाऊ है लिया कर लगा दिए तो नहीं, नहीं होगा। तो हम थोड़ा मार कर गए उस टाइम में। अच्छा शुरू में ही मार कर गए, हमको लिया के कोई आदमी दे दिया। हम मतलब पौधा अपने से खसाए थे, गिराए थे जी। तो क्या पौधा को आपको बीव लेकर आकर उसको अपने से गिराए थे। छोटा में क्या हो गया कि ड्रिप कराने के लिए जो ड्रिप वाला लेट कर दिया जी, इसलिए थोड़ा पौधा हमारा मेरा बड़ा हो गया जी। अब मजबूरन उस टाइम में पौधा नहीं मिला जी जी, तब वही रोपना पड़ा, इसीलिए थोड़ा हमको भी मार पड़ गया है। अच्छा। अगर उस टाइम में शुरू में रोप दिए रहते तो इनकम तो अच्छा अच्छा होता, अच्छा होता। अच्छा ये पपीता जब लगाते हैं तो कितने दिन में ये फल आपको दे देता है, इतना बड़ा बड़ा? 8 महीने में हो जाता है। 8 महीने में? हाँ 8 महीने में तैयारी हो जाए, रेडी हो जाता है। इसमें इसमें खाद कौन कौन सा दिया जाता है? खाद वगैरह होता है, मल जो देते हैं आप, इसमें क्या क्या देते हैं इसमें खाद? जैसे हम लोग धान में देते हैं DAP, हाँ वही से पड़ता है, वही से पड़ता है। यूरिया नहीं देते हम लोग, यूरिया काहे नहीं देते हैं कि पौधा, यूरिया काम तो नहीं, यूरिया काम होता है पौधा बढ़ाने के लिए, नाइट्रोजन ज़्यादा होता है उसमें जी। तो उससे पौधा बढ़ता है, इसलिए हम यूरिया नहीं देते, हम लोग थोड़ा सा मात्रा में देते हैं कि इसमें हल्का भी थोड़ा काम करे, नहीं तो खाली DAP पोटास सल्फेट उल्फेट टाइम टाइम पर देते हैं, अमोनियम सल्फेट मैग्नीशियम यही सब देते हैं, कैल्शियम बोरान ये सब देते हैं। अच्छा इसको सेल करने के लिए आप कहाँ मेथी करते हैं, बेचते हैं? सेल काफी तो, आप कितना बीघा में लगाए हुए पपीता? थोड़ा 18-19 कट्ठा में, 19 कट्ठा में। अच्छा 19 कट्ठा में, अच्छा कितना निकल जाता है जैसे एक लॉट में आप निकालते होंगे? लॉट लॉट ना होता है ये? लॉट अच्छा पौधा एक बार जब निकलने लगता है ना तो ये एक बार में 8 क्विंटल 9 क्विंटल निकलता है मोटा मोटी। मेरा तो अब क्या कहे कि बिगड़ गया है थोड़ा, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है, शुरू से ही सीक्वेंस बिगड़ गया, तो इसलिए थोड़ा कम हो गया है। अच्छा अभी नहीं तो हम अगला बार सोच बनाए हैं कि इस सबको हटा कर फिर अच्छा से अच्छा तरीका से करें कि लोग भी देखे तो इसको कहे कि हाँ अच्छा है, इसे ये बिजनेस अच्छा है, हम भी करेंगे। हाँ अच्छा आपका राय कैसा है कि आप हमारे दर्शक भी इनको बोलना चाहते हैं कि ये बिजनेस किया जाए कि नहीं, इसे प्रॉफिट कैसा है? प्रॉफिट तो अच्छा है और लगन के साथ किया जाए तो अच्छा है। अच्छा आप कितने साल से कर रहे हैं खेती? मेरा हो गया 3 वर्ष। 3 वर्ष से कर रहे हैं? 3 वर्ष 4 वर्ष हो गया। अच्छा, 4 वर्ष। इससे पहले जो आपका इन खेती किए थे उसमें इनकम कैसा था, कुछ जानकारी देना था? हाँ उसमें उस बार में पहले बार में ना ठीक ही हुआ था, अच्छा हुआ था। अच्छा हुआ था हाँ, इसलिए मेरा घर परिवार में भी लोग का चाहना हुआ कि ठीक है लगाओ, लगा रहा था। नहीं तो शुरू में तो बोल रहे थे कि नहीं लगाओ, पपीता से क्या होगा, पपीता कहाँ बिकेगा, मतलब नहीं लगाओ। हाँ तो थोड़ा पैसा हुआ उस टाइम में, तो आखिरी बार रोपे हैं, दूसरा बार रोपे हैं तो घर का आदमी कुछ नहीं बोले, ठीक है लगाओ, अच्छा बिजनेस है, बढ़िया है, तो वो सब लगन है उसका तो करो, तो इसलिए हम फिर लगाए। और इस बार में आकर वही शुरू में मेरा सीक्वेंस गड़बड़ा गया, पौधा के समय में पौधा अपने से बनाए थे ना उस टाइम में, ड्रिप वाला जो हम दे दिए थे उतना हम लोग का जानकारी नहीं था हमको, जो ड्रिप कैसे किया जाएगा, इससे क्या फ़ायदा है, कैसा है। तो बाद में क्या हुआ कि ड्रिप वाला हम पैसा दे दिए थे उसको, आवश्यकता से ज़्यादा ही ले लिया, अब नहीं जानकारी होने पर तो ऐसा ही होता है ना, पता नहीं था उस समय लेकिन क्या ड्रिप कैसा है, कितना लगता है, हाँ ऐसा कुछ, तो ऐसा आवश्यकता से ज़्यादा दे दिए तो पर भी टाइम पर नहीं किया, आई 2 महीना लेट कर दिया। अच्छा। 2 महीने जबकि इसको हमको बैसाख में रोपने वाले थे हम, बैसाख में भदौ में रोपे। अच्छा, इसलिए थोड़ा उस टाइम में पानी पड़ता है, पानी के मौसम में क्या होता है कि पौधा ज़्यादा ग्रोथ करता है, तो ज़्यादा बढ़ गया पौधा, नहीं तो नीचे से फरता ही। अच्छा बढ़ने की वजह से आपको ये ऊपर दिख रहे हैं, बड़ा हो गया? हाँ ये तो है, ये है बड़ा हो गया है, तो पर भी मैक्सिमम ठीक है, और कोई
अब उसी में सब पौधा तो एक साइज के नहीं ना होता है, कोई बढ़ गया था, कोई छोटा था, अब रोपे कोई अच्छा था छोटा था वो कुछ अच्छा फल रहा है, जो बढ़ गया ज़्यादा तो बिगड़ गया है, बिगड़ गया तो इसलिए अब उतना दिल भी नहीं लगता है। अब सोच रहे हैं कि अब इसको काट कर फिर दूसरा लगाएं, लेकिन अच्छा से अच्छा दो साल के बाद ना है अब कोई मेरा, लेकिन ये बात है कि मेरा अच्छा मनोबल इससे गया नहीं है, नहीं गया है, लेकिन हाँ हमको मनोबल बढ़ गया है कि हाँ इससे हम या कर सकते हैं, हम इसे अच्छा कर सकते हैं, इसे फायदा बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन इसमें है अगर लगन के साथ अपनी बार जो हम सोच बनाए हैं कि और टेक्निकल तरीका से रोपे, इसको मल खाद जो है अगोरा वगैरह वो सब जो देना है वो सब देंगे अच्छा तरीका से, खास कर वही है इसमें मल ऑर्गेनिक मल ज़्यादा चाहिए, ऑर्गेनिक मल हम उस टाइम में नहीं दिए उतना, ये आपको जो जैविक मल है उससे अच्छा ऑर्गेनिक मल अच्छा होता है, उससे पौधा भी मजबूत होता है, ग्रोथ करता है, कमती में पौधा तो मोटा होना चाहिए ना, पौधा मोटा पतला होना है तो उसमें फल कितना आएगा, नहीं आएगा वही बात, ज़्यादा फल नहीं, हाँ वही बात है। अच्छा आपको ये जब पक जाता है, पक अच्छा पकाते कैसे इसको, इसी में नहीं नहीं अपने पक जाता है, पट्टी आ जाता है ना तो हम लोग जान जाते हैं कि पक जाएगा, अब दो रोज में तीन रोज में पक जाएगा, अब ज़्यादा पक जाएगा तो ले जाने में ही दिक्कत हो जाएगा, ले जाने में पड़ जाता है, हाँ हाँ नहीं नहीं दब जाता है, दब मतलब बोरा में रख बोरी में रख कर ले जाता है या गाड़ी में ले जाकर रखता है ना, तो वजन से बढ़ दब जाता है। फिर जानकारी मिला होगा आप लोगों को, तो फिर से हम लोग चलते हैं कुछ और जानकारी इनसे पूछते हैं, जानकारी लेते हैं और आप लोगों को समूह बताते हैं। तो अंकल अच्छा जड़ में जो आप ये मिट्टी लगाए हैं, अच्छा ये मिट्टी क्यों लगाए हैं, इससे क्या फ़ायदा है? इससे है ना जी रिंग टाइप से हम लोग खाद मल रखते हैं, अच्छा इसके अलावा जो है डी ए पी मतलब न्यू पोटास एलुमिनियम सल्फेट क्या है कि मैग्नीशियम ये सब रखेंगे, कैल्शियम जी पौधा को मिले खाना मिले अच्छा ऐसे ग्रोथ करे फल अच्छा बड़ा हो इसलिए देते हैं, उसमें रिंग टाइप से लगाते हैं कि जो इसको डायरेक्ट अथी नहीं हो, इसको जड़ से जो है जड़ से इसे अपना खाना ले। अच्छा हमको जैसे लग रहा है इसमें पहले सीधा होता होगा मिट्टी पूरा बराबर, मिट्टी बराबर था, उसके बाद में इसमें खाद वगैरह डाल के उसके बाद में काते 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 रखेंगे रिंग टाइप से। अच्छा अच्छा साइड में, हाँ साइड में रखेंगे, हम बोला कि अंदर रख के उसको काते काते रख कर ऐसे माटी ढक देंगे ऊपर से, अच्छा माटी से फिर माटी से तोप देंगे ऊपर से। अच्छा ये बताइए अंकल इसमें जब पपीता पकने लगता है तो कैसा रंग दिखाया दिखता है इसमें, थोड़ा कलर दिखाता है पीला पीला वाला, यहाँ पर पट्टी आ जाता है, यहाँ पर पीला पीला थोड़ा सा आ जाता है, अपने आप पट्टी आ जाता है, अपने आप तो कोई पका हुआ है कि नहीं आपके बागवान में अभी? अच्छा एक पीला खराब हो गया है लेकिन ऐसा ही हो जाता है, पीला हो गया है ना, साइज तो छोटा हो गया है, इसमें असर बड़ा बड़ा था वो सब व्यापारी सब ले गया है तोड़कर, अब ये सब छोड़ दिया है तब ऐसा ही सब पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। तो आपको लगेगा ये कितने में पक जाएगा? ये तब दो चार रोज में पक जाएगा, ये दो चार रोज में पक जाएगा, ऐसा पीला आ जाएगा तब लोगों को पता चल जाएगा, थोड़ा सा आ जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये पक जाएगा, जैसे ये वाला है ये वाला आ गया, ये वाला हो जाएगा, अब कौन सा वाला? हाँ ये वाला जो पट्टी आया है ना यहाँ पर, इसे आदमी समझ जाएगा कि ये अब हो जाएगा, दो चार रोज में खाने के लायक हो जाएगा, पक जाएगा दो रोज में, हाँ ये हो जाएगा। अच्छा ये पक जाने के बाद आप कहाँ सेल करते हैं इसको? अच्छा गाड़ी आता है ले जाने के लिए घर पे? व्यापारी आता है बीरगंज से व्यापारी आता है, व्यापारी आकर और लेके जाता है यहाँ से, हाँ व्यापारी क्विंटल के क्विंटल गाड़ी में, हाँ गाड़ी में ले जाता है, छः क्विंटल सात क्विंटल ऐसे मैक्सिमम निकल रहा है तो ले जाते हैं। अच्छा किलो का रेट से बेचते हैं कि पीस के रेट से बेचते हैं? नहीं किलो का रेट से, किलो के रेट से। किलो एक आपका कितना किलो होगा? एक 800 ग्राम 700-800 ग्राम कितना हो जाता है वजन? अच्छा नहीं नहीं यहाँ इसमें तो कमती में 2 किलो 2.5 किलो 4 किलो तक का साइज हम इसमें से तोड़ दिए हैं, हाँ 4 किलो तक का, 4 किलो का साइज तक ले इसमें निकला है, लेकिन अभी तो लास्ट हो गया है इसलिए अब थोड़ा साइज छोटा हो गया, हाँ लास्ट
लास्ट है, लास्ट सीजन है। हाँ लास्ट ही हो गया, मानिए इसको अब हटाने लायक हो गया है, हटाने लायक हो गया। इसमें से बहुत पपीता आपको तोड़ कर बेच चुके हैं, बड़ा बड़ा वाला, लास्ट का छोटा छोटा बचा है, छोटा छोटा है, कोई है किसी में से नहीं टूटा है, अब फड़बे नहीं किया, अब लास्ट में फड़ा है तो वो सब अभी टूट रहा है, टूट रहा है सब बड़ा होकर। लेकिन फायदा इसमें ठीक है, मिलाकर खर्च अनुसार लगन अनुसार अच्छा है। इसमें अगर लगे रह जाएगा, लगा रेगुलर अगर इसमें रेख देख है तो अच्छा है। अच्छा इसमें आप जना लगाते हैं, सोनी सोनी वोनी करवाते हैं? हाँ, जैसे आप देख रहे हैं काला काला पाइप लगाए हैं, थोड़ा दिखाइए। ड्रिप है, ड्रिप है, ड्रिप, ड्रिप का मतलब पानी के लिए। हाँ, पानी इस दबा देते हैं इसी में से, इससे वहाँ पर टंकी रखा हुआ है वहाँ उधर। अच्छा ये छेद है, छेद दिखाई दे रहा है, उसमें से फुहरा पानी निकलता है? हाँ, पानी थोपा थोपा निकलता है, थोपा सिंचाई जब चाहिए इसको उस समय आप मोटर अनुसार हम लोग देते हैं, मोटर से देते हैं ना इसको? हाँ, वहाँ पर टंकी रखा हुआ है 1000 लीटर का। अच्छा उसमें पानी लोड कर देते हैं और उसमें दवा जो हमको देना रहता है वो रख कर डालकर ड्रिप खोल देते हैं कि सब पौधा पर पुग जाए दवा। नहीं आप ऐसे बाल्टी से नहीं पटा? नहीं नहीं बाल्टी से नहीं। तो सिस्टम भी काफ़ी अच्छा सिस्टम लगाया है अंकल? हम इसको मल्चिंग किए थे पहले। अच्छा मल्चिंग क्या हो गया कि अब ऐसा ही होता है, नया में थोड़ा नई जानकारी होने पर हमको ठग दिया। जो मल्चिंग ले आए थे प्लास्टिक वो ज़्यादा दिन नहीं टिका, घाम में तुरंत उड़ गया। अब ड्रिप तो ये तो जाने वाला नहीं है, रह गया। अब आखिरी बार अब सिस्टम से करने के लिए हम सोच रहे हैं कि और कोई की देखे कुछ है। लोग तो भी जे देखे तो हाँ अच्छा किया है, ऐसा हम भी करेंगे, ऐसा उत्सुकता बढ़े किसी को देखने के करने के लिए। बहुत खुशी लगा अंकल जी आपसे मिलके, और काफ़ी हम लोग आज बातचीत किए हैं अंकल से, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बिजनेस करना, ये पपीता का बिजनेस आपको करना चाहिए और ज़रूर कीजिए आप इसका इस बिजनेस, और पपीता में काफ़ी फ़ायदा भी है अंकल जी बताए हैं। लेकिन इनकम थोड़ा अभी नहीं रिव्यू किए हैं पूरा खुलकर, लेकिन बिजनेस में काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। लेकिन इसमें लगनशीलता से आप काम कीजिएगा तो इस बिजनेस में पपीता खेती में आपका फ़ायदा इनकम बहुत अच्छा होगा। तो आज का वीडियो इतना है, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नए उम्मीद के साथ। तब तक नमस्कार, बाय।